सो है गाइस, वेलकम टू डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं कि नेक्स्ट डे आप किस तरीके से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड करोगे। इसके अलावा बेस्ट स्टॉक जिनको आप नेक्स्ट डे ट्रेड करोगे इंट्राडे के अंदर, और सारे ट्रेड का लॉजिक क्या है, सब कुछ हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो बहुत ज़्यादा लर्निंग वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है, और कल किस तरीके से एग्जैक्टली ट्रेड करना, उस सारी चीज़ों का मैं आपको पर्सपेक्टिव देने वाला हूँ, एक सही अप्रोच मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने फ्री टेलीग्राम चैनल बना रखा है, जहां पर लाइव मार्केट के अंदर कोई भी अपडेट होता है, यानी कि लाइव मार्केट चल रहा है, कोई भी ट्रेड मिल रहा है, तो मैं आपको ट्रेड लेने से पहले, मैं कोई भी ट्रेड लेता हूं, ट्रेड लेने से पहले आप लोगों के साथ यहां पर शेयर कर देता हूं, जिससे भी आप लोग भी वो ट्रेड लेकर उससे जो है पैसा कमा सकते हो, ठीक है। चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, इसके अलावा किसी स्टॉक के अंदर हो, सबके अंदर जो भी मैं ट्रेड लेता हूं, सारे ट्रेड आप लोगों के साथ यहां पर शेयर कर देता हूं ट्रेड लेने से पहले, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन करोगे तो आप भी लाइव मार्केट के अंदर कोई भी अपडेट होगा तो आप यहां से ट्रेड ले सकते हो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज दोस्तों, आप लोगों के लिए मैंने फ्री अभी एक आप लोगों के लिए मैंने कोर्स बनाया है, इंट्राडे एडवांस कोर्स, जिसमें क्या है इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है वो सब कुछ मैंने आपको डिटेल में सिखा रखा है, यानी कि इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे करना है, मनी मैनेजमेंट हो गया, इसके अलावा आपको ट्रेडिंग साइकोलॉजी हो गया, आपको लॉसेस क्यों होते हैं, कैसे लॉसेस रिकवर होंगे, सब कुछ मैं आपको डिटेल में सिखाऊंगा। ऑप्शन कैसे करना है, कमोडिटी करेंसी फ्यूचर किसी में भी ट्रेड करो, क्या लॉजिक होना चाहिए, ट्रेड के पीछे की क्या साइकोलॉजी होती है, वो सब कुछ मैं आपको सिखाता हूं, ठीक है। तो पूरा चीजें डिटेल में मैंने सिखाया हुआ इस कोर्स के अंदर, एंड अभी ये कोर्स की प्राइस 2500 रुपये मैंने इस कोर्स की प्राइस रखी है, लेकिन फिलहाल अभी आप अगर इसको इनरोल करते हो, यानी कि अभी आप ज्वाइन करते हो, तो 60% ऑफ में आपको मिल जाएगा, यानी कि सिर्फ 1000 रुपये पे करके आप जो है इस कोर्स में इनरोल कर सकते हो, प्लस एक आपके लिए बेनिफिट होगा, अभी आप इसको ज्वाइन करोगे लाइफ टाइम एक्सेस आपके पास रहने वाला है, यानी कि फ्यूचर के अंदर मैं इस कोर्स के अंदर और भी वीडियोस को ऐड करूंगा, बहुत सारे वीडियोस आपको इसके अंदर आने वाले टाइम के अंदर मिलेंगे, तो वो सारे वीडियोस का एक्सेस आप लोगों के पास होगा, यानी कि आप बाद में भी लाइफ टाइम के लिए इस कोर्स को एक्सेस कर पाओगे, एंड जब भी फ्यूचर में कोई भी अपडेट होगा तो आप लोगों से यहाँ पर बेनिफिट उसका होने वाला है, ठीक है। प्लस और भी बहुत सारे लाइव सेशंस में आप लोगों के लिए यहाँ पर कंडक्ट करता रहता हूँ प्राइवेटली, तो उसका भी बेनिफिट आपको होगा, मुझसे लाइव टू लाइव बात करने का, फेस टू फेस बात कर पाओगे, एंड जो भी डाउट होगा आप मुझसे पूछ पाओगे, मैं सारे डाउट आपके सॉल्व करूंगा, ठीक है। इंट्राडे प्रॉपर किस तरीके से करना है, पूरा बेसिक से एडवांस में सब कुछ आपको इसमें सिखाने वाला हूं, ठीक है। तो जो लोग इंटरेस्टेड है इसको ज्वाइन करने में, सिर्फ अभी आप लोगों को 1000 के अंदर मिल रहा है, ठीक है। कुछ टाइम बाद में अगर इसको ज्वाइन करना चाहोगे, डेफिनेटली प्राइस इसकी बढ़ जाएगी, कोर्स की प्राइस भी बढ़ जाएगी, प्लस इतना डिस्काउंट आपको बाद में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए, जिन जो लोग इंटरेस्टेड है मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर आपको मेरे टेलीग्राम चैनल के अंदर मिल जाएंगे, प्लस ये जो वीडियो आप देख रहे हो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके देखोगे, वहां पर भी मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको देखने को मिल जाएंगे, तो मुझे व्हाट्सअप पर कॉन्टैक्ट करके और भी डिटेल इस कोर्स के बारे में आप जान सकते हो, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, एंड सबसे पहले देखो निफ्टी का मैं चार्ट लगा लेता हूं, एंड निफ्टी का एक बार थोड़ा सा जूम आउट करके देखते हैं। अभी जो मेजर रेजिस्टेंस हमको फेस करना पड़ा है, पहले एक ट्रेंड लाइन देख लेते हैं, ट्रेंड लाइन सिंपल सी बात है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं, यहां पर देख सकते हो स्ट्राइक की एक ट्रेंड लाइन है, मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूं पहले, सबसे पहले ऑलराइट। तो यहाँ पर हमको एक ट्रेंड लाइन देखने को मिल रही थी, जहाँ पर इसका जो ब्रेकआउट लेवल था वो 700 का, यानी कि 17700 का यहाँ पर इस लेवल के आसपास ब्रेकआउट था, एंड फाइनली प्राइस ने 17700 के आसपास क्लोजिंग करी, और आज देखो काफ़ी अच्छी तेज़ी हमको देखने को मिली, ठीक है। मंडे को आज देखेंगे मार्केट ऑलरेडी गैप अप हुआ, एंड उसके बाद ऊपर की तरफ तेजी करती हुई नजर आई। यहाँ पर जो रजिस्टेंस फेस करना पड़ा है हमको 18000 का लेवल है, यानी कि 18000 सबसे मेजर ब्रेकआउट लेवल है, 18000 के ऊपर प्राइस निकलेगी बहुत बड़ी तेजी हमको आने वाले टाइम के अंदर देखने को मिलेगी, एक दो दिन के अंदर, ठीक है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट लगा लेते, कल किस तरीके से एक्जेक्टली आपको प्लान करना है वो हम देख लेते हैं। अभी देखो, अभी आपको जो है बाय के लिए अग्रेसिवली नहीं देखना जब तक कि हमको ब्रेकआउट नहीं देखने को मिले, ठीक है, क्योंकि यहां पर ब्रेकआउट के आसपास ही हम घूम रहे हैं, उससे पहले आपको बीच में ट्रैप नहीं होना। अभी आज भी देखोगे प्राइस, देखो इससे पहले आप देखोगे यहां पर 18000 का लेवल हिट किया, एक बड़ा सेलअप देखने को मिला, काफी टाइम तक यहां पर वेट किया, वेट करने के बाद फिर से प्राइस अभी ऊपर की तरफ निकलना स्टार्ट कर चुके हैं। एंड अभी की आज की अगर क्लोजिंग के बाद अगर हम आज देखें तो एक्जेक्टली 18000 का लेवल देखोगे, एंड यहां पर आज का प्राइस एक्शन आप थोड़ा सा देखो, मॉर्निंग में मैंने आपको कॉल बाय करने के लिए यहां पर जैसे प्राइस ब्रेकआउट हुआ था मैंने आपको कॉल बाय करने के लिए दिया था, एंड काफी अच्छा मॉर्निंग के ट्रेड के अंदर आपका बना होगा। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर रखा होगा उन सब लोगों ने ट्रेड लिया और काफी अच्छा पैसा मॉर्निंग में ही बन गया था यहां पर, ठीक है। एंड अभी हम देखें सिंपली तो यहां पर आज के दिन में हुआ कि यहां से तेजी हुई, उसके बाद देखो प्राइस एक छोटा सा रेंज के बीच में फंसी हुई रह गई। यहां पर देखोगे एक छोटी सी रेंज के बीच में प्राइस जो है फंसी रह गई, 50-60 से 70 पॉइंट की 50-60 पॉइंट की रेंज के बीच में यहां पर फंसी रह गई, ठीक है। तो अगर प्राइस इस रेंज को
ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं लेती, इस रेंज को अगर ऊपर की तरफ ब्रेक करेगी तो भी हमको तेजी देखने को मिली, तब हमको कल जो है 18,000 का लेवल क्रॉस कर सकती है। लेकिन प्राइस अगर यहीं से नीचे की तरफ कंटिन्यू करती है तो फिर से हमको थोड़ा सा सेल अप देखने को मिल सकता है, लेकिन सेल के लिए अभी हम अग्रेसिवली प्लान नहीं करेंगे। अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेता है तो एक बार छोटी, अगर निकल मार्केट नीचे की तरफ आता है तो फिर छोटी क्वांटिटी के साथ एक बार सेल कर सकता है, फिर जैसे जैसे प्राइस नीचे जाएगी उसके हिसाब से आपको ट्रेड करना है। फिलहाल अब कल के लिए देखें, जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं प्योर, उनके लिए अगर हम देखें तो वो क्या कर सकते हैं, सिंपल है, यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स या फिर एक जोन मार्क कर दो, ठीक है। पहले आप जोन मार्क कर दो ताकि आपको जो है समझने में बाद में दिक्कत नहीं हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो भी मैं आपको बनाकर देता हूँ, ये सारी चीज़ें आपको अपने मोबाइल या कंप्यूटर में बनानी है, ठीक है। अगर आप ये सारी चीज़ें नहीं करोगे तो जब लाइव मार्केट के अंदर जब मार्केट चल रहा होता है तब आपको कुछ समझ में नहीं आता है कि मैं बाय करूँ सेल करूँ क्या करूँ, तब आपका कन्फ्यूज़ होते हो। तो ये सारी चीज़ें आप जब तक करोगे नहीं तब तक आपको जो है खुद समझ में नहीं आएगा, ठीक है। फिलहाल अभी देखो एक बॉक्स यहाँ पर मैं बनाया, अभी हो क्या सकता है, आपको देखो यहाँ पर बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हुआ, इस रेंज के बीच में काफ़ी बड़ा कंसोलिडेशन हुआ है काफ़ी टाइम से, पूरा दिन पर यहीं पर प्राइस ने ट्रेड किया है, ठीक है, एक छोटी सी रेंज के बीच में। अगर प्राइस इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगी, कल इस बॉक्स के बीच में ओपन होती है, ठीक है। अब रेंज की बात करूँ, प्राइस की बात करूँ, ऊपर में वो मान सकते हो 80 का लेवल, ठीक है, 17,980 का लेवल ऊपर में मान सकते हो, ये जो लेवल है 17,980 का लेवल। एंड नीचे में अगर मैं सपोर्ट की बात करूँ तो सपोर्ट का जो लेवल है वो है 17,730 का लेवल, ठीक है, 17,930 हो गया, 920 हो गया, 500 पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये पूरी रेंज है, ठीक है, इस रेंज के बीच में आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि इस रेंज के बीच में अगर कल मार्केट जो है इसके बीच में ओपन होती है, यहाँ का ही ओपन होती है, एंड उसके बाद थोड़ा ऊपर नीचे होगी तो आप कन्फ्यूज हो जाओगे, इससे अच्छा है कि सिंपल है आप वेट करो। अगर इसके बीच में ओपन होकर ऊपर की तरफ निकलेगी कॉल बाय करेंगे, बीच में ओपन होकर नीचे की तरफ निकलेगी पुट बाय करेंगे, ठीक है। आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो चुकी होगी किस तरीके से आपको प्लान करना है। अभी हम सेल के लिए देखें तो सेल किस लेवल पर आप कर सकते हो, यहाँ से अगर आप अग्रेसिवली सेल करते हो तो आपका फर्स्ट टारगेट होने वाला है 900 का लेवल, ठीक है, 17,900 का लेवल आपका फर्स्ट टारगेट है। सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो अभी हमको देखने को मिल रहा है 17,900 पर सपोर्ट देखने को मिल रहा है, तो यहां पर हो क्या सकता है कल अगर मान लीजिए थोड़ा सा गैप डाउन हो जाती प्राइस, इस 17,900 के आसपास यहां का ही ओपन होती, ठीक है, इस लेवल के आसपास ओपन होकर पहले 5 मिनट के अंदर एक हैमर जैसी कैंडल यानी कि कोई भी बुलिश सिग्नल अगर हम देखने को मिलता है 900 के आसपास, ठीक है, इस रेंज के बीच में अगर मुझे कोई पहले 5 मिनट के अंदर कोई हैमर हो गया फिर इस टाइप की कुछ ग्रीन कैंडल बनती हुई नजर आती है, प्राइस उसका हाई ब्रेक करते हैं तो यहां पर मैं एक छोटी सी कॉल की पोजीशन में बैठ सकता हूं। यहां पर मेरा फर्स्ट टारगेट होगा 17,930, सेकंड टारगेट शुड बी 17,950 एंड थर्ड टारगेट 17,980 का लेवल। ये तीन टारगेट किस तरीके से होंगे, आई होप ये चीज आपको समझ में आई हो, ठीक है। इसके अलावा बात करूं डायरेक्टली मार्केट अगर इस रेंज के बीच में ओपन होता है, इस रेंज के बीच में ओपन होता है तो उसके बाद क्या करोगे, यहां से अगर ऊपर की तरफ निकलेगी तो डायरेक्टली 17,000 कुछ लोग जो अग्रेसिवली प्लान करते हैं, कुछ लोग ट्रेडर होते हैं जो अग्रेसिवली ट्रेडर होते हैं, ठीक है, जो फट से जैसे निकलती प्राइस कुछ यहाँ से एंट्री कर जाते हैं, एंड कुछ लोग क्या होते हैं प्राइस में वेट करते हैं, कुछ लोग चाहेंगे कि 18,000 का लेवल क्रॉस करे उसके ऊपर 5 या 15 मिनट की कैंडल क्लोज करे उसके बाद वो एंट्री करेंगे, तो उनकी मर्जी है, ठीक है। दोनों ही अलग अलग कैटेगरी के लोग होते हैं और दोनों ही अपनी जगह सही होते हैं, ठीक है, मैं किसी को गलत या सही नहीं बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो कुछ लोग चाहेंगे कि प्राइस जो है 17,000 जैसी बॉक्स के बीच में ओपन होनी चाहिए, फिर यहाँ से जो है 17,980 का लेवल क्रॉस करते हैं हम कॉल की पोजीशन में बैठ जाएंगे, ठीक है। आप इसको 1-2 पॉइंट ऊपर ले सकते हो, 17,082 हो गया या फिर 85 हो गया, इस पॉइंट पर आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ से टारगेट क्या होगा, 18,000 का लेवल। अब मेजर जो है सब बड़ा जो खेल होने वाला है वो 18,000 का सबसे बड़ा खेल है, ठीक है। तो कल जो अगर प्राइस ऊपर की तरफ निकलेगी तो आपको जो कॉल बाय करना है वो 18,000 का कॉल बाय करना या फिर आपको 17,900 का कॉल बाय करना है, ठीक है। कॉल के लिए जो स्ट्राइक प्राइस रहेगी 17,900 या फिर 18,000 का कॉल, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा ऑप्शन राइटर कॉल राइटर सबसे ज्यादा यहाँ पर 18,000 के लेवल के आसपास बैठे हुए हैं। तो कल जैसी प्राइस ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेगी तो 18,000 पे जितने कॉल राइटर बैठेंगे सब अपनी पोजीशन को एग्जिट करेंगे और यहाँ पर इसका जो प्रीमियम है बहुत ही तेजी से आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा, ठीक है। तो बस इस पर ध्यान रखो, एंड इसके अलावा तो कुछ इन द मनी लेना चाहते हैं तो वो 900 का लेवल लेंगे, क्योंकि वहाँ पर वॉलीटिलिटी थोड़ी सी कम होगी, वहाँ पर भी आपको जो है प्रीमियम काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा, बहुत स्पीड से बढ़ेगा 900 का लेवल भी, 17,900 का कॉल, ठीक है। तो कॉल के लिए आप देख लीजिए। अभी हम पुट के लिए बात करें तो पुट में क्या होगा, अगर प्राइस के लिए नीचे की तरफ निकलेगी तो 18,000 का पुट बाय करोगे या फिर 17,900 का पुट बाय करोगे, तो ये स्ट्राइक प्राइस ये दोनों ही रखनी है, ठीक है। इसके अलावा कोई तीसरी स्ट्राइक प्राइस आपको नहीं चूज करनी है, ठीक है। अभी नीचे में और लेवल की बात करूँ तो एक लेवल नीचे में अगर 900 के नीचे निकलती है तो फिर आ जाएगा 60 का लेवल, ठीक है। अगर 17,900 का लेवल प्राइस क्रॉस करती है तो फिर आपका टारगेट क्या होगा, 17,860 का लेवल ये आपका टारगेट हो सकता है, ठीक है, नीचे की तरफ ये टारगेट हो सकता है। ऊपर में बात करूँ अगर प्राइस 18,000 का लेवल क्रॉस कर रही तो पहला टारगेट हर 50 पॉइंट आपका टारगेट हो सकता है, तो पहला टारगेट होगा 18,000
50 का लेवल, फर्स्ट टारगेट शुड बी 18,050 एंड यहाँ पर मैं लेवल मार्क कर देता हूँ, ठीक है, ये 18,050 का लेवल, ठीक है। इसके अलावा बात करूँ तो फिर आ जाएगा 18,100 का लेवल, ठीक है। तो ये सर हर 50 पॉइंट पे आपका एक टारगेट लेवल मार्क करके रखना है, ठीक है। आई होप निफ्टी का सब कुछ क्लियर हो चुका होगा। इसके अलावा भी कोई लेवल के अंदर कोई चेंजेस होते हैं, कोई नए लेवल अपडेट करने, तो मैं टेलीग्राम चैनल के अंदर बेशक कर दूंगा, वहाँ पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन किए हैं डेफिनेटली उनको बेनिफिट होगा, जो लोग अभी तक नहीं ज्वाइन किए तो आप किसका वेट करें, जल्दी से आके ज्वाइन करो, वहाँ पर बहुत सारा बेनिफिट आपको होने वाला है, ठीक है। इसके अलावा चलिए अब हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। इसका थोड़ा सा प्राइस एक्शन मैं आपको समझाना चाहूँगा, देखो किस तरीके से मार्केट काम करता है, आपको समझो, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें अभी, तो यहाँ पर अगर कल मार्केट नेगेटिव रहता तो किस टाइप से एक बड़ा सेलअप आ सकता है, देखो यहाँ पर आप थोड़ा सा चीज़ों को समझो, ठीक है। देखो जब मार्केट ऊपर जाता है ना, जब मार्केट ऊपर जाता है तब वो हमेशा छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हो गैप अप हुआ और छोटी छोटी कैंडल्स बना रहा है। इसी तरीके से अभी मार्केट ऊपर जा रहा है, यहाँ पर फिर से अभी एक छोटी छोटी कैंडल्स बनाने लगा है। जब भी इस टाइप का जब ट्रेंडिंग मार्केट होता है, जब गैप अप होकर प्राइस ऊपर की तरफ निकलती है, तब क्या होता है कि जिस दिन भी सेलअप आता है उस दिन सेलअप एक अच्छी रेड कैंडल के साथ आता है, ठीक है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर देख सकते हो इस टाइप की बड़ी बड़ी रेड कैंडल के साथ सेलअप आता है, क्योंकि वो जो ऑप्शन जो भी लोग बायर्स होते हैं, जो भी इन चीज़ों को जब ऊपर मार्केट जा रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई बाय कर रहा है। जब भी बाय कर रहा है तो थोड़ा सा भी सेल आता है तो वो लोग डर के कारण जल्दी से एग्जिट कर जाते हैं या फिर अपना प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं, जिसकी वजह से हमेशा एक रेड कैंडल जो बनती है वो बड़ी रेड कैंडल बनती है, हमको देखने को मिलती है जनरली। जैसे अभी रिसेंटली यहाँ पर देखने को मिली, यहाँ पर देखने को मिली, यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। लेकिन जब भी प्राइस फिर से बायर्स के रेंज में आएगी, यहाँ से अगर सेलअप आएगा तो इस लेवल के आसपास सारे बायर्स बैठे हुए, तो ये यहाँ पर जब भी आएगी प्राइस फिर से यहाँ से एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल देखेगी एंड इस तरीके से मार्केट ऊपर की तरफ कंटिन्यू करता जाएगा। कल अगर सेलअप आता है तो एक अच्छा सेलअप आ सकता है, बस मेरे कहने का मतलब इतना सा है। एक अच्छी रेंज यानी कि 500-600 पॉइंट का आपको जो है सेलअप सेल देखने को मिल सकता है कंटिन्यूसली, बस बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन नहीं होना चाहिए, उसके लिए कंडीशन क्या है साइडवेज। अभी हम बात कर लेते हैं 15 मिनट के अंदर देखो किस तरीके से मार्केट को प्लान करना है। यहाँ पर अगर हम देखें तो शार्प एक पैटर्न हमको देखने को मिल रहा है। कौन सा पैटर्न देखने को मिल रहा है, देखो यहाँ से क्या हुआ, मार्केट गैप अप हुआ, फिर यहाँ से गिरावट हुई, पिछले डे का जो हाई था एग्जैक्टली ये जो हाई था इसी के आसपास इसने सपोर्ट लिया, फिर यहाँ से फिर से ऊपर की तरफ बाउंस किया प्राइस ने एंड एंड ऑफ द डे देखोगे प्राइस जो है अपने जो हायर लेवल जो कि आज का जो दिन का हाई था एग्जैक्टली उसी लेवल के आसपास जो है यहाँ पर टाइम स्पेंड किया है यहाँ पर, ठीक है। आई होप ये चीज़ के लिए यहाँ पर देख सकते हो इस लेवल के आसपास देखोगे आपको जो है काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर चुकी है प्राइस। अभी देखो एक हायर लेवल के आसपास टाइम स्पेंड किया है तो अगर यहाँ से ब्रेकआउट होगा तो हमको एक शार्प तेजी देखने को मिलेगी, अदरवाइज यहाँ से गिरावट भी होगी तो भी हमको एक अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। गिरावट के पीछे का रीजन मैंने आपको बताया कि यहाँ पर जो है छोटी छोटी कैंडल्स बनी है, तो जैसे प्राइस अगर नीचे की तरफ निकलेगी तो एक शार्प मोमेंटम इस टाइप का बड़ा शार्प मोमेंटम आएगा, ठीक है। लेकिन ऊपर की तरफ जाएगी तो वो अगर साइडवेज ओपन होकर जाएगी तो एक अच्छा ब्रेकआउट भी देखने को मिल सकता है। हमको सिर्फ कितना चाहिए, एक ट्रेड कोई लिया तो 100-150 पॉइंट मिल गया एक ट्रेड के अंदर तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा ट्रेड हो बन गया, ठीक है। हमको पूरा 500 पॉइंट तो कवर करना ही, हमको 100-150-200 पॉइंट हमने कवर कर लिया तो बहुत हो गया, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी हम देख लें बैंक निफ्टी के अंदर तो किस लेवल के ऊपर आप बाय करोगे, बस कंडीशन आप समझ लो। यहाँ पर एक छोटा सा मैं बॉक्स बना देता हूँ अगेन, तो फिर आप कहोगे कि आपको आसानी से समझ में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं एक छोटा सा बॉक्स बना दिया हूँ, अब आपको बस इतना सा ध्यान रखना है इस बॉक्स के बीच में प्राइस ओपन होती है तो आपको जो है मज़ा आ जाएगा ट्रेड करने में, ठीक है। बस आप समझो कि जो मैं कंडीशन बता रहा हूँ उस कंडीशन के हिसाब से अप्लाई होती है चीज़ें तो आपको जो ट्रेड करना काफ़ी ज़्यादा आसान है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, इस बॉक्स के बीच में ओपन होकर प्राइस जो है 700 का लेवल, ठीक है, 40,700 का लेवल क्रॉस करते हैं हम यहाँ पर जो बाय कर सकते हैं। अभी कॉल कौन सा कॉल बाय करोगे, या तो आप 700 का ही स्ट्राइक प्राइस चूज़ कर सकते हो या फिर 600 की स्ट्राइक प्राइस चूज़ करोगे, ठीक है। 40,600 या फिर 40,700, इन दो स्ट्राइक प्राइस पर आपको काम करना है कल के दिन में, चाहे वो कॉल बाय करो पुट बाय करो, इन दोनों ही स्ट्राइक प्राइस में आपको चूज करना है, ठीक है। इन द मनी या फिर एट द मनी, आउट ऑफ द मनी आपको नहीं प्लान करना है, ठीक है। सेल के लिए अगर मैं बात करूं तो प्राइस डेफिनेटली जो लोअर लेवल के आसपास इसने क्लोजिंग करी है, ठीक है, क्लोजिंग भी देखेंगे लोअर लेवल के आसपास करिए तो डेफिनेटली यहां पर हमको डेफिनेटली सेलिंग प्रेशर एंड ऑफ द डे देखने को मिला है, काफी अच्छा वॉल्यूम एंड ऑफ द डे देखने को मिला है, ठीक है। तो सेल के लिए बात करूं सिंपली इस बॉक्स के नीचे अगर निकलना स्टार्ट करेगी तो हम इसको सेल कर सकते हैं, यानी कि 500 के नीचे, ठीक है। आप जो सेल करोगे वो है 40,500 के नीचे निकलने के बाद आप इसको सेल कर सकते हो, ठीक है। 40,500 के नीचे निकलेगी तो आप जो स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे 40,600 हो गया या फिर 40,500 का पुट बाय करोगे, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस पता चल गया 40,000 एक तो 500 हो गया या फिर 40,500 हो गया प्लस 40,600 हो गया, इन दो पुट में इन दो स्ट्राइक प्राइस को लेना है, कॉल में 40,600 हो गया या फिर 40,700 हो गया, इन दो के दो में कॉल को ट्राई करना है, ठीक है। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो चुका हो किस तरीके से प्लान करना। अब यहाँ से टारगेट लेवल देख सकते हैं तो सिंपल सी बात है, फर्स्ट ऊपर में देखिए पहला टारगेट होने वाला है आपको 800 के आसपास, 700 से निकलेगी, कम से कम 100 पॉइंट का हम टारगेट लेके चल रहे हैं। फिर सेकंड टारगेट शुड भी 850 या फिर 900 का टारगेट। नीचे में अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से अगर सेल होता है तो पहला टारगेट आपका होगा यहाँ पर 400
40,430 का लेवल, ठीक है, 40,430 का लेवल ये टारगेट होगा। सेकंड टारगेट शुड भी 40,330 का लेवल, ठीक है, 40,330 का लेवल तो ये टारगेट होना चाहिए। इसके अलावा बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन हो जाएगा तो कोई भी फ्रेश लेवल होंगे, कोई ऊपर नीचे के लेवल होंगे, मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर दूंगा, तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया ज्वाइन कर लो, ठीक है। चलिए अब हम देख लेते हैं स्टॉक जिनको कल आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर सकते हो। पहला स्टॉक है जुबिलेंट फूडवर्क, ठीक है। इस स्टॉक को मैं देखूं यहाँ पर तो आपको एक ब्रेकआउट लेवल के आसपास देखने को मिल रहा है स्टॉक। यहाँ पर अगर देखें थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाऊंगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा प्राइस एक्शन इस स्टॉक का, ठीक है। यहाँ पर अगर हम पहले देखें तो एक ट्रायंगल चार्ट पैटर्न बन रहा था और यहाँ पर एक फेक ब्रेकआउट हुआ, फिर नीचे आई प्राइस, फिर से प्राइस ने ब्रेकआउट लिया और यहाँ पर काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन किया है, ठीक है। अभी ऊपर की तरफ ये कंटिन्यू करेगी तो कल के दिन में एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिल सकती है इस लेवल के ऊपर। लेवल मैं आपको मार्क करके दे देता हूँ, लेवल आपको जो देखने को मिल रहा है वो है 627 या फिर 28 का लेवल, ठीक है। आपको सिंपली कहाँ पर प्लान करना है, जैसे ही आज का डे हाई क्रॉस होता है यानी कि 628 के ऊपर आप इसको बाय कर सकते हो, ठीक है। जहाँ पर क्लोजिंग प्राइस है वहीं उसी के आसपास ओपन होना चाहिए और वहाँ से अगर साइडवेज ओपन होगा 628 हो गया फिर 630 हो गया, इस लेवल को क्रॉस करते आप इसमें बाय कर सकते हो, एक बड़ा मोमेंटम कल देखने को मिल सकता है। चलिए नेक्स्ट स्टॉक देख लेते हैं जिनको आप इंट्राडे के अंदर ट्रेड कर सकते हो। एक स्टॉक दिख रहा है मुझे छोटा सा लुपिन, लुपिन के अंदर देखोगे डेफिनेटली 3 दिन से प्राइस इस छोटी सी रेंज बीच में ट्रेड करी, ठीक है। यहां पर अगर आप देखोगे तो सिंपल थोड़ा सा प्राइस एक्शन हम समझने की कोशिश करेंगे। देखो इस लेवल से देखो यहां से ऊपर की तरफ गया, एक एन पैटर्न बनाया और यहां पर हायर लेवल के आसपास 3 दिन हो गया यहां पर वेट कर रहा है, ठीक है। अगर कल ऊपर की तरफ ये कंटिन्यू करेगा तो हमको तेजी देखने को मिल सकती है। तो इसका मेजर जो ब्रेकआउट लेवल है वो है 675 का लेवल, ठीक है। 675 के ऊपर निकलना स्टार्ट करेगी प्राइस तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है। 675 के हम 675 के ऊपर हम इसको बाय कर सकते हैं। चलिए एक लास्ट स्टॉक देख लेते हैं सेल के लिए। सेल के लिए जो कल स्टॉक मैंने दिया था एज इट इज वैलिड है क्योंकि आज हमको इसमें कोई मोमेंटम नहीं देखने को मिला, यानी कि हम जो देख रहे थे सेल के लिए, लेकिन मार्केट ओवरऑल पॉजिटिव था जिसकी वजह से हम इसको अंदर ट्रेड भी अवॉइड करना था, प्लस दूसरी बात इसमें नीचे ब्रेकडाउन भी नहीं हुआ। तो कल अगर मार्केट अगर नेगेटिव रहता है यानी कि निफ्टी बैंक निफ्टी कल अगर मार्केट नेगेटिव रहता है तो इस स्टॉक के अंदर काफी अच्छा गिरावट आ सकती है। स्टॉक है कोलगेट का, लेके कोलगेट का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अगर लेवल में आपको थोड़ा सा अपडेट करके दे देता हूं, अब जो आपको सेल करना है वो कौन से लेवल पर करना है तो वो लेवल है 1625 का लेवल, ठीक है। कल अगर प्राइस साइडवेज ओपन होकर 1625 का लेवल क्रॉस करती है तो हम इसको सेल करेंगे, 1625 के नीचे हम इसको इमीडिएटली सेल कर देंगे, ठीक है। आई होप कि सब कुछ क्लियर हो चुका होगा किस तरीके से निफ्टी को ट्रेड करना है, इसके अलावा किस तरीके से बैंक निफ्टी को ट्रेड करना है। एंड आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो। कोर्स के लिए लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर है, ये ऑफर बाद में आपको नहीं मिलने वाला है कभी भी, तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो। बहुत ही मिनिमम फीस में आपको बहुत सारा कंटेंट आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को फिनिश करते हैं, वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ओके बाय।